किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। जी हाँ, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कृषि बिल को लेकर पूरे देश भर में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी के चलते आज बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने कृषि बिल का विरोध किया और ट्रैक्टर रैली निकाली। ट्रैक्टर रैली से पूर्व बाजपुर के किसान अनाज मंडी में एकत्र हुए, जहाँ एक बैठक आयोजित कर सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। भारतीय किसान यूनियन के ट्रैक्टर रैली में 500 ट्रैक्टरों ने भाग लिया और सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद ट्रैक्टर रैली अनाज मंडी से होकर बैरिया दौलत होती हुई अनाज मंडी में समाप्त हुई। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, जिससे किसानों की जरा भी परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा, यही कारण है कि कृषि बिल को लेकर किसानों की सरकार सुध नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार कृषि बिल वापस नहीं लेती, तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे। देखिए बाजपुर से मोहम्मद सईद की यह रिपोर्ट। भी हो जाए, इसके लिए भी हम ऐसे रैली निकालते रहेंगे। अच्छा, उन सरकार को जगाने के लिए है ये। सरकार सोई हमारी मानती नहीं है। कितने आदमी हमारे शहीद हो रहे हैं, कितने आदमी सड़कों पर बैठे हैं, कितने बुजुर्ग जो हैं वो शहीदी प्राप्त कर गए हैं, और सरकार अभी भी जाग रही है, समझ में आ रही। अब हमारे 2 कानून रह गए, एक तो ये 3 कानून जो है वापस लें, दूसरा जो MSC जो कानून है इसमें संशोधन करें और गारंटी दें हमें। जो पूरे देश भर में किसान एकता मोर्चा द्वारा 3 काले कानूनों और MSP को लेकर है, उसी में प्रतिभाग और सहयोग करने के लिए बाजपुर में एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन शासन को जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर भी अवगत करवाया जा रहा है कि आप यथाशीघ्र बाजपुर की 20 गांवों की जमीनों का मामला और ये जो मुकदमे किसानों पर दर्ज किए गए हैं उनका भी संज्ञान लें।